बैरियर फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई सेंट्रल के सिटी सेंटर मॉल के बाहर, जहां पर आज लोग कई दिनों से यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मोर्चा निकाले हुए हैं। लोगों की डिमांड है कि उनका जो हक है, उनकी जो दुकानें हैं, वो उन्हें वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि ये डेवलपमेंट के लिए दिया गया, जो है डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट हुआ उसके बाद इस जगह को भाड़े पे दिया गया, हालांकि इस जगह का भाड़ा भी अब उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन इन्हें रोड पर उतरना पड़ा। नतीजा ये है कि सिटी सेंटर के जो मेन गेट है उसको इन्होंने चौकअप किया है, बंद कर दिया है, पूरी तरीके से क्लोज रखा है। उनका साफ तौर से कहना है कि सिटी सेंटर में जो भी दुकानें हैं वो इनकी दुकानें वापस मिलनी चाहिए, इनके जो भाड़े रुके हुए हैं वो वापस मिलने चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने रीडेवलपमेंट के लिए लिया और फिर पेंटालून, नीलकमल, इन तमाम जो है जैसी कंपनियों को रेंट पे दिया गया, हालांकि इनका भाड़ा भी इनको नहीं मिल रहा है। ये तमाम लोग जो है हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ डिमांड है, क्या वजह है कि आज आप लोग इस तरह से आंदोलन और मोर्चा कर रहे हो। भाई, हम लोग यहाँ पर आंदोलन और मोर्चा करने की वजह ये है कि हमारा हक हमें नहीं मिल पा रहा है। हम ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक के लगभग 500 ओनर्स है। 500 ओनरों को हम लोग को 337 DCR के तहत हमको 2006 में बनाया गया और ट्राई पार्टी लीज एग्रीमेंट करा गया है पेंटालून के साथ में, जो अभी इस वक्त में सुनील बियानी फ्यूचर ग्रुप नेटवर्क लिमिटेड के मालिक है। उन्होंने हमें रेंट देने की जवाबदारी जिम्मेदारी का स्टैंडिंग पोजीशन लिया हुआ है। आज हमको 2010 से जो है उन्होंने कई बहाने बताए, हमारा जो एग्रीमेंट के मुताबिक रेंट है वो रेंट को हमको नहीं दिया जा रहा है, वो कम दिया जा रहा है, कभी 25% कम किया जा रहा है, कभी हमारे वायदे के मुताबिक इंक्रीमेंट जो किया है वो नहीं दिया जा रहा है, और हमसे यही कहा जा रहा है कि हम देंगे लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है। अभी जब हमने उनसे बहुत बहुत मांगा तो उन्होंने हमको एक राइटिंग के अंदर पुलिस स्टेशन में शनिचर के दिन हमने जब धरना किया था 22 जनवरी को जो हमने धरना किया था, तो उस वक्त उन्होंने हमको राइटिंग में पुलिस चौकी में लिख के दिया था सीनियर साहब के सामने, जो सीनियर साहब ने हमारे को बहुत मदद की थी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के शिवाजी राव कदम साहब ने, उन्होंने समझौता कराने के लिए बहुत कोशिश की, और जब उन्होंने हक को देखा और उन्होंने लिख के दिया कि भाई हम ये चीज़ के मुआहदे के मुताबिक हम आपको पैसा देंगे, तो उसके मुआहदे के मुताबिक लिख के देने के बावजूद भी हमारे को थोड़ा पैसा 3 महीने का भाड़ा दे के हमको टाल दिया गया, और हमको जो वादा किया था 1 फरवरी से 10 फरवरी तक के बीच में हमारे को पैसा देने का, तो वो भी दिया नहीं गया। टाल मटोल की लगातार उन लोग की चाल चलती रहे। बिल्कुल, यानी साफ तौर से जब लोगों से वादा किया गया उस पर भी नहीं मुकर गए, जब ये पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे इनको ये ड्यू दिया गया कि फला डेट को आपको जो है एग्रीमेंट फिर से बनेगा और आपको पूरा भाड़ा मिलेगा, लेकिन अब तक इनको कुछ नहीं मिला, जिसके नतीजन इन्हें अब मोर्चा और धरने पर बैठना पड़ा। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी को रीडेवलपमेंट के लिए किसने लिया था। नीलकमल रियलेटर्स एंड बिल्डर्स ने लिया था, डीबी रियलिटी वाले जो हैं नीलकमल, शाहिद बालवा, उस्मान बालवा, इन्होंने लिया था डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट के लिए जो एग्रीमेंट बना था उस दौरान, उस एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा गया था आप सबके बीच में? हमको मॉल बना के, एक सेपरेट मॉल बना के दिया जाएगा, जिसमें सबको ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड पे सेटल किया जाएगा, ये बोल के हमको दिया, बनाने दिए थे हमने। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि हम यहाँ एक सेपरेट मॉल बनाएंगे और सबको दुकानें मिलेंगी, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये अभी जो सुनील बयानी फ्यूचर ग्रुप मार्केटिंग नेटवर्क लिमिटेड है, 15 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है, असेसमेंट टैक्स बाकी है, आज तक का उन्होंने क्लियर नहीं किया, 15 करोड़ उनका बाकी है। हमारे मेंबर्स जो है उनकी 18 करोड़ रुपीज़ हमारा बाकी है, और सर्विस टैक्स का काफ़ी अमाउंट इनके पास बाकी है हमारा। बिल्कुल, सबसे बात अगर बात करें तो लोगों के साथ पूरी तरीके से चीटिंग किया गया, और इस जगह को रीडेवलपमेंट करने के लिए शाहिद बलवा जो कि बिल्डर हैं उन्होंने लिया था, उन्होंने इन तमाम दुकानदारकों से ये कहा था कि हम यहाँ पर
जो है एक मॉल बनाएंगे, मॉल बनाने के बाद डेवलप करने के बाद हम आपको देंगे, और इसके बाद उससे पहले ही फ्यूचर पेंटालून इन तमाम कंपनियों से उन्होंने एग्रीमेंट कराया और रेंट पे दे दिया, जिसका भाड़ा भी इनको कई महीनों से नहीं मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कब से भाड़ा नहीं मिल रहा है? 24 महीने से भाड़ा नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी टेरिस खा गया है, टेरिस पे भी गार्डन बना दिया हमारे लिए, टेरिस और टावर के बच्चे खेलेंगे, मॉल के बच्चे नहीं खेल सकते, उसका रास्ता भी नहीं बनाया इसने कम वक्त में। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो रेंट का एग्रीमेंट बना होगा आप लोगों को, किस तरह से बना था और किसके साथ? शाहिद बलवा जो डेवलपमेंट कंपनी थी जिसने डेवलपमेंट किया उसके थ्रू बना था, या पेंटालून ये तमाम जो दुकानें हैं जिनको रेंट पे दिया गया था उनके पेंटालून के थ्रू बनाया गया था, लेकिन अब ये जब लफड़ा हुआ तो पता चला कि उसमें बीच में डीबी भी है, हमारे पैसेज की जगह वो खा रहा है, संडास बाथरूम की जगह भी भाड़ा वो खा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा उसका। बिल्कुल, यानी साफ तौर से लोगों को ये कहा जाता है कि आपको पूरा भाड़ा मिलेगा, आपकी जगह है उसका हम रेंट पे दे रहे हैं, उसको आपको बकायदे उसका आपका हक मिलेगा, लेकिन उसी हक के लिए लोगों को अब मोर्चा निकालना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से फ्लोर पे आपकी दुकान है और किस तरह से एग्रीमेंट बना था? मेरा सेकेंड फ्लोर पे है दुकान, और दुकान मुझे दिया जाएगा जब वेकेट हो जाएगा, तो बालवाना साहब ने बोले थे क्या हमें दुकान बना के दिया जाएगा। तीसरा माला वेकेट हो चुका है, मैं तीसरे माले वालों को अब तक 24 से 25 महीना हो गया है, अभी तक वो बना के नहीं दिए। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे जी? प्रॉपर्टी टैक्स के जो हमने बताया 15 करोड़ रुपीस बाकी है, उसका अटैचमेंट भी हो गया है, लग गया है, और 1.5 महीने के अंदर उसका ऑक्शन का प्रोसीजर चालू होने वाला है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से यह कहा जाता है कि डेवलपमेंट किया जा रहा है, जल्दी डेवलपमेंट होके आप लोगों को दिया जाएगा, डेवलप करके आपको आपकी दुकानें दे दी जाएंगी, आपको रेंट मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों को 15 से 24 महीने तक का भाड़ा नहीं मिला है, आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ, मजबूरन इन्हें सड़क पर उतरना पड़ा, आखिरकार इनको मॉल को बंद करना पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से आज आप लोगों ने मॉल बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं क्या, सब परेशान है यहाँ आके, सब डेरे डाले हुए हैं, आज हमारा भाड़ा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, बच्चे बीवी बच्चे सब यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं, सब फैमिली आई हुई है यहाँ पर अपने इसके लिए, यहाँ पर सब ये सब फैला के रखा, हमारी वजह से नहीं, उसी की वजह से है, आज वो सब कॉपरेट करे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, सही बात है ना? बस आप बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आज आप हाथ में होर्डिंग लेकर खड़े हो, रिटर्न्स आवर शॉप्स, मतलब किस तरीके से क्या डिमांड है और कब से एग्रीमेंट हुआ था और कब से रेंट रुका हुआ है? रेंट 2006 से रुका हुआ है, रेंट 2014 महीने से रुका हुआ है भाड़ा। कब तक हम लोग ऐसे घर की औरतें कब तक ऐसे रोड पर आकर, हमको मजबूरी में आकर बैठना पड़ा था, पर हम अपने बाल बच्चों को छोड़कर आकर बैठे, और घर के जो मर्द लोग हैं वो डिप्रेशन में है, कहाँ से घर चलाएंगे, आज महंगाई कितनी है, आज इतनी महंगाई है, हमको मजबूरी में इधर पर रोड पर आकर बैठना पड़ा है। उसके लिए आप लोग वर्ल्ड टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप आए, नहीं तो अभी तक कोई चैनल वाला नहीं आया, सिर्फ आप ही यहाँ पर आए हो। अगर बात करें तो हम अपने कैमरामैन सदानंद सेट्टी से चाहेंगे कि वो पहले इस मॉल के गेट को दिखाएं, जहाँ पर लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर खुद मॉल के बाहर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आके बैठी हैं, क्योंकि अपने घर से निकलकर उनके हक को लेकर, आज अपने हक की मांग को लेकर ये लोग आज जो है मोर्चा निकाल रहे हैं। सिटी सेंटर का ये गेट है, मेन गेट है, जहाँ से एंट्रेंस होता है उसी एंट्रेंस को आज ये लोग रोक के रखे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो डेवलपर है शाहिद बलवा जो बिल्डर है, उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन उसका हक जो है इन तमाम दुकानधारकों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे कितनी दुकानें हैं इस पूरे मॉल में? 400 दुकानें हैं, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे गाला है, 77 नंबर का गाला है, हम एज पर एग्रीमेंट हमारे डिमांड मांग रहे हैं जो उन्होंने बनाया है, लेकिन हमको नहीं दिया जा रहा हमारा हक, जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया उस पर भी हम हमारे जायज डिमांड है, फिर भी उसको पूरा नहीं किया जा रहा और हमको अंधेरे में रख रहे, कभी कभी एक आध दो भाड़ा डाल देते उसके बाद फिर ताल मलोट करते रहते, और हमारे को फिजिकली एंटर अभी तक हुए ही नहीं हमारे गाले में हमने, और हमारे टेरिस भी खा गए वो लोग। बिल्कुल, यानी साफ तौर से टेरिस भी खा गए और लोगों को अब तक इनकी दुकानें नहीं मिली हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ चीट हुआ है, आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुद्दे की बात तो ये है कि कुल मिला के यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं वो सारे लोग मालिक हैं,
मालिक आज फैमिली के साथ में सड़क पर उतरे हुए हैं, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से कि हमारी मांगों को समझे और इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन ले और हमारे मसलों को जल्द से जल्द हल करे। बाकी जो हिसाब किताब है वो बता के कोई मतलब नहीं, कितने महीने का बाकी क्या है। मुद्दा यही है कि मालिक जो है वो सड़क पर उतरा है औरतों और बच्चों के साथ में। तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से निवेदन है कि बालवास के खिलाफ और बयानी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाए। क्यों? क्योंकि ये रोजी रोजी का मामला आ गया है। बिल्कुल, शाहिद बलवा जो बिल्डर हैं वो 10 बार मीटिंग करते हैं इन तमाम दुकानदारों से, उनके बाद भी इनकी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। अब तक इनको इनकी समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा, इनका हक जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हम उन तमाम महिलाओं से भी जुड़ेंगे जो आज अपना घर से निकल कर उनको यहाँ पर आना पड़ा, आपसे जानना चाहेंगे। हमारे भी बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा भाड़ा नहीं देता, रुका हुआ, हमारी चाहिए जायदाद चाहिए, ये भाड़ा चालू करे। हमारे सब वो एकदम से परेशान हैं, हम लोग खुद भूखे यहाँ मर रहे हैं, चार बच्चा सब मर रहे हैं, उनको डर लो ना। 26 महीने का भाड़ा और रोक के बैठा है हमारा, हमारे कारखाने छीन लिए गए, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे आदमियों की बीमारी, हमारी लाचारी, उसका तो अल्लाह बर्बाद कर देगा, उसके बच्चों का अल्लाह बर्बाद कर देगा। हम लोग को उसने तंग करके रख दिए हैं, हम लोग को बहुत तंग करे, हमारे कारखाने छीन लिए, अभी हमारी दुकानें भी छीनना चाहता है वो, हम लोग को अभी हटाना चाहता है वो, उसका ईमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। वो लोग कब से यहाँ पर बैठे हो धरने पे? सुबह 8 बजे से बैठे हैं इधर, सुबह 8 बजे से भूखे प्यासे इसके बच्चों को रोते हुए बैठे हैं, शाहिद को रोते हैं, तीन दिन से रोते हैं उसके, उसको शाहिद के बच्चों को 3 दिन से भूखे प्यासे, जितने भी भारूत है, जितने भी पेशेंट है, सब उसको रो रहे हैं। आप हाथ में होर्डिंग लेके खड़े हो, क्या क्या कुछ बताया गया, किस लिए आज यहाँ पर खड़े हो? हम लोग मोर्चे के लिए यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि शाहिद वहाँ पे हमारा बाहर नहीं दे रहा है, हम लोगों को अपनी दुकानें भी वापस नहीं कर रहा है। बिल्कुल, इनका न तो इनको भाड़ा मिल रहा है, न तो इनकी दुकानें मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? लोगों का कहना है नहीं है, वो वजह सब पता है, लोगों को पता है, खाली ये आपके थ्रू और लोगों और उस चैनलों को ये चीज पैगाम देना चाहता हूँ क्या भाई, एक घोड़े को एक लाठी लगी पूरी न्यूज चैनल उसको कवर कर रहा है और ये 500 फैमिली मर रही है, कोई कवर करने के लिए आ रहा है, हर मीडिया वाले को पैसे चाहिए। हाँ, और आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद है, को लाइव करिए और दूसरे न्यूज चैनल वाले को मुंह पे मारिए कि आपको एक घोड़े को मार लगने पे आप लाइव कर रहे हो और यहाँ 500 टेनन मर रहे हैं, उसके लिए आपने कोई लाइव नहीं किए, धन्यवाद। बिल्कुल, यानी 500 टेनेंट यहाँ पर परेशान है, रोड पर है, उनके लिए जिस तरीके से सवाल है शाहिद बलवा का, उनका साफ तौर से कहना है 500 लोग जो है परेशान है, शाहिद बलवा ने आज तक उनका ना तो एग्रीमेंट किया ना तो उनका भाड़ा उनसे मिला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।